जी हाँ गाइस, हम जा रहे हैं आज ऐसे मंदिर को एक्सप्लोर करने जहाँ पर माना जाता है अगर व्यक्ति रात को रुकता है तो वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। और ये मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर आया हुआ है, जिसका नाम है केराड़ू मंदिर। हम दोस्त लोग मिलकर के अपने दोस्त की शादी में जा रहे होते हैं और रास्ते में आ रहे पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों पर घूमने का हमारा प्लान बनता है और हम चल पड़ते हैं। और इस बात का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये प्लेन हम पर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। हम अपनी मस्ती में मस्त बेखौफ हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं और अचानक रास्ते के अंदर तेज आंधी तूफान बारिश और बिजली के गिरे हुए खंभों और तारों का सामना करना पड़ता है। और फिर जो केराड़ू में हुआ वो जान के आपके 100% रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो एक बार जोर से बोल दीजिए कमेंट के अंदर जय श्री राम। और आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज अभी फिलहाल हम आए हैं बाड़मेर। तो आज अभी हम आए हैं बाड़मेर और आगे का हमारा प्लान है केराड़ू जाने का। और उसके तो अभी कोई फिक्स नहीं है, फिर भी देखते ऐसी बात है कि अभी प्लान तो फिक्स नहीं है, लेकिन केराड़ू का सोचा है। बोल रहे हैं अभी, हाँ बस मन हो रहा है जाएंगे जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं, पर फिक्स कोई नहीं है। तो दल बदलू लोग है भाई। तो अभी केराड़ू जाएंगे, उसके बाद वीरात्रा जाएंगे और वीरात्रा के बाद जाने वाला है धनाऊ, हमारे फ्रेंड की शादी है। तो व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहे। और अभी हम बाड़मेर में पहुंच गए हैं, अभी मदन के घर गए थे और साय नाश्ता करके अभी रवाना हो गए हैं। मतलब साय वगैरह पी लिया और साय के साथ नाश्ता हमने मान लिया कि नाश्ता करवा लिया, तो चलते हैं अभी। और यहाँ पर अपने ड्राइवर लोग गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं। जस्ट किडिंग गाइस, नो ड्राइवर, अपनी यार दोस्त है। हिंदू नव वर्ष मंगल में हो, ये कल या नव वर्ष था तो पूरी धूम मसाई हुई है इधर, चारों तरफ भंगवाई भंगवा रंग। और इधर हमारे फौजी साहब, काफी ज्यादा ट्रैफिक है, पता नहीं क्या वजह हो सकती है। धर्मा धड़वन जी, कोई अमित बजट है कि तो कंटेंट भी नहीं मार गया, एक्सीडेंट हो गया, व्यू आ रहा तो अभी आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास और हमारे भाई मिले हमें प्रकाश। कोई नहीं, वो लगा देंगे, बीप लगा देंगे। काफी काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर के लिए कुछ बोल दीजिए। और यहाँ पर हम कुछ देर के लिए फोटो शूट करते हैं और बाड़मेर में छोटा मोटा काम निपटा के फिर हम रवाना हो जाते हैं। अभी आए हैं केराड़ू मंदिर, देख सकते हो हमारे पीछे ये प्राचीन मंदिर है और पीछे का व्यू देख सकते हो आप, पहाड़ी पहाड़। और अभी चलते हैं, सारा का सारा आपको दिखाते हैं क्या चीजें हैं क्या नहीं है।
ये आप गिरे हुए मंदिर के बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो, ये 19वीं शताब्दी में आए भूकंप की वजह से सारे मंदिर गिर के ध्वस्त हो गए। और यहाँ के 5 मंदिरों में से विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालात में है। यह मंदिर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जिसको भी पढ़ना है पहुँच करके पढ़ सकते है। विष्णु मंदिर ये एक और मंदिर है, यहाँ पर आप देखोगे तो सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं उनको खंडित किया गया है। और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हो ये सोमेश्वर मंदिर है। इतिहासकारों का कहना है कि 11वीं शताब्दी में परमार के राजाओं ने इनके मंदिरों का निर्माण करवाया था। फिलहाल इस मंदिर पे आए हैं, यहाँ पर फोटो रील वगैरह कुछ करेंगे, और आपको भी आना है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है सब कुछ। ये देखो पीछे का व्यू और ये मंदिर, वाह। जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसकी जितनी भी मूर्तियां हैं इनका सर धड़ से अलग किया हुआ है। 13वीं 14वीं शताब्दी में अनमुक्त तुर्की लुटेरों ने इस क्षेत्र को बर्बर तरीके से लूटा। आप गौर से देखेंगे तो हर एक मुंह को तोड़ा हुआ है, ये हमारे हिंदू देवी देवताओं को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई है। ये देखो और इधर फोटो शूट हो रहा है। तो गाइस हम घूम ही रहे हैं इधर उधर और इधर के नज़ारे देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं। शाम हो गई है और कैमरा भी लेके आए थे लेकिन पता नहीं मना कर दिया, लाने नहीं दिया। वो भी कुछ रीज़न था क्योंकि यहाँ पर कोई अफसर वगैरह पता नहीं आए हुए। खैर जो भी है अभी हम वापस आ गए हैं इधर, और जो मेन मंदिर है वो तो अभी आपको दिखाया नहीं, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। और बाकी मेरा माइक वगैरह था वो भी मैं अंदर ला नहीं पाया, तो एडजस्ट करना थोड़ी बहुत वॉइस वगैरह। और ये इधर पत्थर वगैरह कुछ ऐसे है, और ये अबे साले गड़बड़ कर दी काट दे यार उतरा को। और ये है विष्णु मंदिर। अगर भविष्य में आपको कभी मौका मिले तो इस मंदिर में जरूर देखने आना। और इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि पत्थर के ऊपर पत्थर इस प्रकार से रखा गया है, और न ही इसके बीच सीमेंट है और न ही किसी प्रकार का और कोई पदार्थ है, फिर भी ये पत्थर एकदम चटक चटक खड़े हैं। और ये मंदिर उस समय से आज दिन तक वैसे के वैसे मौजूद है। काफ़ी शानदार मंदिर है, और अभी इधर कुछ किताब वगैरह लिखने के लिए कुछ लेखक आए हुए हैं, तो हम उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हैं और चलते हैं। बाकी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं पूरी की पूरी आपको दे दूंगा। और कंगर लड़के हमारे साथ आ गए हैं और इनको फोटो वो से फुर्सत नहीं मिल रही है। खैर हमारे हमको हो रहा है हमको हो रहा है लेट, तो अभी चलते हैं। और अभी विरात्रा भी जाएंगे तो विरात्रा मंदिर भी आपको दिखाएंगे। और काफ़ी अच्छा माहौल है इधर, और काफ़ी अच्छा मंदिर भी है, शांति का अनुभव भी होता है। और अगर आप यहाँ पे आते हो एकदम चिड़ियों की चिड़ियों की मस्त आवाज़ क्या बोलते हैं उसे क्या जो भी है हाँ, अब मेरे को फेंकनी नहीं आती, सीधी बात है फेंकनी मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, जो भी है मतलब अच्छा लगता है बस, ये अच्छा लगता है बस। और उधर एक बड़ा सा मंदिर है वहाँ पर, बाकी अच्छा मंदिर था, ज़्यादा घूमा नहीं हमने क्योंकि मैन तो यार कैमरा था, कैमरा लाने दिया नहीं। और अभी टाइम भी हमारे पास बहुत कम है, तो अभी चलते हैं वापस। अभी जाएंगे हम विरात्रा, और विरात्रा का मंदिर आपको तो पता ही होगा, ये भी पता ही होगा क्योंकि बाड़मेर के लोगों को तो पता ही होगा, और जो नहीं जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं रास्ता भी बता दूंगा। और अगर आप यहाँ पर आए तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बस ये कहना चाहूँगा फ़ोटो वोटो के लिए, बाकी जो भी है अच्छा था। अभी हमको लेट हो रहा था इसलिए जल्दी चलते हैं। और अभी हम यहाँ से रवाना हो गए, और अभी आगे जा रहे हैं विरात्रा माता मंदिर। और यहाँ से हम इसीलिए जल्दी निकले थे क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा था और थोड़ी देर बाद वही होता है। भाई
तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं विरात्रा माता के मंदिर, और हम करड़ू से लगभग 5 बजे रवाना हुए थे और अभी 7 बज गए हैं। तो अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं और कुछ भाई लेने गए प्रसादी, और अंदर आरती भी बराबर टाइम पे पहुंचे आरती के टाइम पे, तो करते हैं दर्शन और लाभ लेते हैं आरती का, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और बाद में आपको पूरा का पूरा मंदिर का टूर दे देते हैं। तो अभी पहुंच गए विराता माता मंदिर और श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी फिलहाल जाते हैं गाड़ी के अंदर। हम सभी का माता जी की पहाड़ी पर जाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन जिस प्रकार माहौल और मौसम था उस हिसाब से हमने प्लान ड्रॉप कर दिया और सभी के फ़ोन डिस्चार्ज हो गए थे, और इसीलिए आगे का लोग भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। और समय रहते हम निकल लिए अपने फ्रेंड के घर की ओर जिसके शादी में हम जा रहे थे। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।